नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूं कि क्या गलती करते हो जिसके कारण आपको बहुत ज़्यादा पिंपल होते हैं। सबसे पहले तो मैं अपनी स्किन बता देता हूं, आप देख सकते हो मुझे दूर दूर तक यहाँ पर पिंपल नहीं है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मुझे कभी पिंपल ही नहीं होते हैं। गाइस, जब मैं ऑयली फूड और जंक फूड बहुत ज़्यादा मात्रा में खा लेता हूँ तब मुझे पिंपल की प्रॉब्लम हो जाती है। मैंने एक वीडियो में क्रीम भी बताई थी पिंपल को ठीक करने के लिए, लेकिन मैं उस क्रीम को यूज़ करता हूँ तो मेरी जो पिंपल है 6 से 7 दिनों में ठीक हो जाती है। बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं कि 1 घंटे में पिंपल को मिटाओ या 1 दिन में पिंपल को मिटाओ, तो पिंपल की अलग प्रोसेस होती है, जितना समय लेती है उतने में वो ठीक होती है। बस आप ये कर सकते हो कि उस पर एक अच्छी क्रीम लगा सकते हो जिससे वो बढ़ेगी नहीं और वो ठीक होने लगेगी, और अपना हाथ मात उस पर मत लगाया करो जिसकी वजह से वो पिंपल बढ़े नहीं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप क्या गलती करते हो जिनकी वजह से आपकी पिंपल जो है बहुत ज़्यादा होती है आपको। तो देखो, एक तो सबसे बड़ा कारण है हार्मोन इम्बैलेंस, मतलब हार्मोन इम्बैलेंस के कारण आपको पिंपल तो होते ही हैं, तो वो तो एक नॉर्मल प्रोसेस है और समय के साथ वो ठीक हो जाती है। लेकिन आप क्या करते हो, जब आपको पिंपल हो जाते हैं तो आप उनको फोड़ देते हो, मतलब पिंपल कड़क है और आप उसको डायरेक्ट फोड़ ही रहे हो, तो मतलब इसकी वजह से वो अंदर से भी फूट जाती है और आपको पिंपल जो है वो फिर और निकलने लगती है। तो जब आपको पिंपल बहुत ज़्यादा हो रही हो तब उनको फोड़ना नहीं चाहिए जब तक कि वो येलो ना हो जाए। मैं भी पिंपल को फोड़ता हूँ, अगर वो होती हैं एकदम जब तक येलो नहीं हो जाती तब तक मैं उनको नहीं फोड़ता हूँ। तो आपको क्या करना है, पिंपल को नहीं फोड़ना है, और दूसरी बात ऑयली और जंक फूड से आपको तब तक बचना है जब तक कि आपको बहुत ज़्यादा पिंपल हो रही हैं। अगर आपको मान लो 5-6 रोज पिंपल होती हैं तब आपको ऑयली और जंक फूड से बचना है। अगर खाना भी है तो घर का ही खाओ और कम खाओ। गाइस, मैं भी अभी खाता हूँ लेकिन मुझको ऐसा नहीं कि मुझे मैं आज खाऊंगा तो मुझे आज ही 5-6 पिंपल हो जाएंगी या कल हो जाएंगी। ऐसी स्थिति मेरे साथ जो है पहले होती थी अब नहीं है। तो अभी भी मैं ऑयली और जंक फूड का नहीं, जंक फूड तो नहीं खाता हूँ, ऑयली फूड जो घर पर बनता है बस वही खाता हूँ, बाहर का नहीं खाता हूँ। तो आपको इतना याद रखना है, ऑयली और जंक फूड से बचना है, अपने फेस पर ज़्यादा हाथ नहीं लगाना है, हाथ लगाना है तो साफ लगाना है, साफ करके लगाना है अगर कुछ प्रॉब्लम है तो, और उसके बाद पानी ज़्यादा पीना है। अगर पानी कम पियोगे तो इससे पिंपल की प्रॉब्लम होगी। अगर आप फेस वॉश का यूज़ नहीं करते हो तो उसकी वजह से आपको पिंपल की प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अगर आप धूप में बहुत ज़्यादा जाते हो बिना सनस्क्रीन लगाए तब भी आपको पिंपल डार्क स्पॉट जैसी प्रॉब्लम होगी, तो आप हो सके तो सनस्क्रीन लगाओ, नहीं तो नारियल तेल लगाकर धूप से बाहर निकला करो, उसके ऊपर पाउडर लगा सकते हो, कोई सा अच्छा मैं व्हाइट टोन रिकमेंड करूँगा क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा है इस चीज़ में। इतने कारण होने के बावजूद भी जो गाइस और जो रीज़न है पिंपल के लिए वो है गलत फेस प्रोडक्ट को यूज़ करना। मतलब आप अगर और कोई सी क्रीम यूज़ करते हो, कोई सी गोरा होने वाली क्रीम, तो उसके साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ तक मैंने जो आपको पिंपल के कारण बताए हैं वो काफ़ी हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम और ज़्यादा कवर करेंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो ऐसी वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, आप ये मत सोचो कि मैं छोटा यूट्यूबर हूँ तो आपको गलत इन्फॉर्मेशन दूंगा। गाइस, मैं अगर आपको प्रूफ भी दे सकता हूँ, जो बड़े बड़े यूट्यूबर है ना उनको भी डार्क स्पॉट वगैरह होते रहते हैं, बस वो मेकअप करके छुपा लेते हैं। और तुम्हारा भाई जो है अभी 2-3 घंटे पहले क्रीम लगाई थी और अभी भी तुमको खुलकर स्किन बता रहा है, ये देख लो। मैं झूठ नहीं बोलता, हाँ मुझे भी पिंपल हो जाते हैं, मैं झूठ नहीं बोलता कि मुझे भी डार्क स्पॉट है, तो मैं उनको ठीक करने के लिए मैंने कर ली है स्क्रीन से काफ़ी ज़्यादा तक ठीक कर ली है मैंने, मतलब 80% तक ठीक कर ली है। आप जो रह गए ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगे, नहीं तो उनके लिए भी कुछ करेंगे और आपको बताएंगे। तो वीडियो पसंद आई तो फिर से बोला, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थोड़ी गड़बड़ होगी वीडियो में।